बच्चों, आज हम सीखेंगे नाउंस में नंबर। नंबर यानी वचन, जिनमें पहला है हमारा सिंगुलर नंबर और सेकंड है प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर का मतलब है एक वचन, यानी जो वन के लिए यूज होता हो, और प्लूरल का मतलब है बहुवचन, जो कि एक से ज्यादा के सेंस में हम यूज करते हैं। तो जब भी हम सिंगुलर बोलेंगे इसका मतलब है हम वन के लिए बोल रहे हैं, और जब भी हम प्लूरल बोलेंगे इसका मतलब है हम एक से ज्यादा के लिए बोल रहे हैं। तो बच्चों, अगर हमें सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में चेंज करना है तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जब भी कोई सिंगुलर नाउन हमारे पास है, कोई भी वर्ड है जो सिंगुलर में यानी एक के लिए है, जैसे हमने कहा गर्ल, इसका मतलब है एक लड़की, हम एक लड़की के लिए बोल रहे हैं। और अगर हम एक से ज्यादा गर्ल के लिए बोले, एक से ज्यादा लड़कियों के लिए बोल रहे हैं, तो हम सिंपली इसमें क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। तो हम जब इसमें एस लगाएंगे तो ये हो जाएगा गर्ल्स, यानी एक से ज्यादा लड़कियां, या इसको हम कह सकते हैं गर्ल का प्लूरल होगा गर्ल्स। ठीक, हमने गर्ल में एस लगा दिया तो ये हो गया गर्ल्स, यानी लड़की लड़कियां। इसके बाद हम देखेंगे स्टार, तो स्टार के आगे अगर हमने एस लगा दिया तो ये हो गए स्टार्स, यानी बहुत सारे तारे। इसके बाद है स्कूल, तो स्कूल में भी अगर हमें प्लूरल बनाना हो, बहुत से स्कूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर भी एस लगा देंगे। ठीक, अब हमने देखा बुक, इस बुक का मतलब है एक बुक, और अगर हम बहुत सारी बुक्स की बात करें, प्लूरल की बात करें बुक्स में, तो ये हो जाएगा आपका बुक्स, इसका मतलब है बहुत सारी किताब। चलिए, ये तो हुआ कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें कि हम सिंपल एस लगा करके भी उनको प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन हम हर वर्ड के साथ इस तरह से यूज नहीं कर सकते कि हमने केवल एस लगा दिया और उसका प्लूरल बन गया। इसके लिए हमें समझना है कि ऐसे सिंगुलर नाउन जिन जो कि एंड होते हैं, जिनके लास्ट में आता है एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स, यानी आप ध्यान से समझेंगे तो इनके लास्ट में एक अलग तरह की साउंड आती है जिसको कहते हैं हिसिंग साउंड, यानी स्व की आवाज आएगी। एस, जैसे आप हमने यहां पर कुछ एग्जांपल लिए, जैसे हमने लिया बस, तो इसमें भी देखिए स की आवाज आती है। बॉक्स, इसमें भी स आता है। क्लास, इसमें भी स आता है। और ब्रश, इनमें भी श की आवाज आती है। तो हम यहां देखेंगे कि इस तरह के वर्ड्स जिनमें लास्ट में इनमें से कोई भी लेटर हो, कोई भी अक्षर हो, एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो या एक्स हो, तो उनमें हम क्या करेंगे कि केवल एस नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। ठीक, तो अगर हमें बस का प्लूरल बनाना है तो हम करेंगे बसेस, बी यू एस ई एस, बसेस। अब हम बॉक्स का प्लूरल बनाएं, तो यहां पर भी स की आवाज आती है लास्ट में एक्स है, तो हम इसको बनाएंगे बॉक्सेस, बी ओ एक्स ई एस। नेक्स्ट आप देखें क्लास, क्लास में भी स की आवाज आती है, डबल एस है, तो यहां पर हो जाएगा क्लासेस। चलिए आगे देखें ब्रश, ब्रश में क्या है, एस एच, एस एच है आपका, और स की आवाज आती है लास्ट में, तो ये हो गया आपका ब्रशेस, बी आर यू एस एच ई एस। आगे देखें कुछ सिंगुलर नाउन्स जिनके एंड में लास्ट में आता है ओ, तो ओ अगर लास्ट में आता है तब भी हम उनमें केवल एस नहीं लगाएंगे बल्कि ई एस लगाएंगे। जैसे कि हमने पहला एग्जांपल लिया है मैंगो, तो देखिए यहां पर लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, और ये बनेगा आपका मैंगोज, एम ए एन जी ओ ई एस, मैंगोज। मैंगो यानी एक आम और मैंगोज यानी बहुत सारे आम, तो ये हो गया आपका सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। इसके बाद हम देखेंगे मॉस्किटो, इसमें भी लास्ट में क्या है, ओ आ रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे, तो ये हो गया आपका मॉस्किटोज, यानी इसमें भी हमने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया। इसके बाद हम देखेंगे पोटेटो, पोटेटो में देखेंगे हम लास्ट में ओ आ रहा है, तो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे टोमेटो, टोमेटो में भी लास्ट में है आपका ओ, तो ओ है तो हम क्या लगा देंगे,
ईएस लगा देंगे। लेकिन ऐसे नाउन्स जिनमें कि ओ तो है लास्ट में लेकिन उसके पहले क्या है, वॉवल है, तो जब वॉवल है तो वहां पर हम क्या करेंगे, ईएस ना लगा करके केवल एस लगाएंगे। जैसे यहां पर हमने लगाया था ईएस, यानी लास्ट में अगर ओ आ रहा है तो हमने लगा दिया ईएस, लेकिन इस ओ से पहले कोई वॉवल आ जाए, जैसे हमने यहां देखा रेडियो, रेडियो में ओ तो आ रहा है लेकिन इसके पीछे एक वॉवल है, वॉवल है आई। तो सबसे पहले हम इस चीज को फिर से रिमाइंड कर लें कि जो वॉवल होते हैं वो होते हैं पांच, ए ई आई ओ यू, यानी इन पांच में से कोई भी लेटर इस ओ से पहले आ जाए तो हम यहां पर ईएस नहीं लगाएंगे, बल्कि हम यहां पर क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो यहां हम क्या करेंगे, रेडियो, तो रेडियो जो हम लिखेंगे वहां पर हम ईएस ना लगा करके केवल एस लगाएंगे। ये हो गया आपका रेडियो और ये हो गया रेडियोस, ठीक। इसी तरह से हम देखेंगे वीडियो, इसमें भी आप देखेंगे ओ है लास्ट में लेकिन इसके पहले वोवल आ रहा है, यानी ई आ रहा है आपका, तो यहां पर भी हम वीडियोस, वीडियोस यानी एस लगा दिया केवल। इसके बाद हम देखेंगे कुकू, तो यहां पर लास्ट में ओ है लेकिन इसके पहले क्या है, वोवल है, यानी वोवल है आपका ओ, तो इस वजह से यहां पर भी आपका सिंपल कुकू में हम क्या करेंगे, केवल एस लगाएंगे। इसी तरह से यह है आपका बेम्बू, तो बेम्बू के पहले भी यहां देखेंगे लास्ट में ओ है लेकिन इसके पहले एक वोवल है, तो जब वोवल है तो यहां पर भी हम सिंपल क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो इस तरह से ये कुछ रूल्स हैं जो हम सिंगुलर से प्लूरल यानी एक वचन से बहुवचन में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। यहां पर हमने सिंगुलर से प्लूरल में यूज करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो किए, जिसमें सबसे पहला रूल था कि सिंपल अगर कोई सिंगुलर नाउन है, कोई भी नाउन है सिंगुलर यानी एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है और उसको अगर हमें प्लूरल बनाना है, बहुवचन में चेंज करना है, तो हम उसमें केवल एस लगा देते हैं। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट रूल। सेकंड हम देखेंगे कि अगर ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनमें लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स इस तरह की कोई साउंड आ रही है, यानी पीछे लास्ट में जो होगा वो स की आवाज आएगी, तो वहां पर हम केवल एस नहीं लगाएंगे बल्कि लगाएंगे ई एस। जैसे हमने क्या किया, बस का बसेस, बॉक्स का बॉक्सेस, क्लास का क्लासेस और ब्रश का ब्रशेस, ई एस लगाया। इसी तरह से हमने यहाँ देखा कि सिंगुलर नाउन एंडिंग इन ओ, जिनके लास्ट में ओ आ रहा है, एंड में ओ आ रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ई एस का यूज करेंगे। जैसे हमने मैंगो लिया और मैंगो के आगे अगर हम इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हमने ई एस लगा दिया। मॉस्किटो में भी हमने लास्ट में ओ था तो ई एस लगाया, पोटेटो में देखा लास्ट में ओ था ई एस लगाया, इसी तरह टोमेटो में किया। अब यहां पर हम देखेंगे कि नाउन एंडिंग वोवल प्लस ओ, यानी ओ तो है लास्ट में लेकिन उसके पहले कोई वोवल है, तो जब भी इस ओ के पहले कोई वोवल होगा तो हम यहां पर ई एस का यूज नहीं करेंगे, केवल एस का यूज करेंगे।